हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। वंस अगेन, दिन है शुक्रवार, सीरीज नंबर 3 और आज है लेक्चर नंबर 22। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? लेक्चर्स पे लेक्चर्स होते जा रहे हैं और दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। याद रखिए, हमारी तैयारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। आने वाले दिन में एग्जाम्स का भरमार लगने वाला है और ढेर सारी एग्जाम्स होने वाली है, इसीलिए अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत आने दीजिए। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आने वाले दिन में आपके लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं और नई नई सर्विसेज हम शुरू करने वाले हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस एंड प्लीज कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन एट ज्ञानबाजी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए, गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। आते 7 सेशन को लाइक किया करिए, लाइक करने के बाद शेयर करिए लोगों के साथ और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखिए। बढ़िया कमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बेवजह की तारीफ करनी है। आप डाउट पूछिए, आप हमें सजेशन दीजिए, आप चाहें तो किसी चीज के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी चीज पर अपनी शिकायत भी कर सकते हैं, पर जरूर हो सके तो जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए। चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 22 में आज हमारे पास पिटारे में कौन कौन से क्वेश्चन है जरा देखते हैं। आप भी नोटबुक निकाल के रेडी रहिए और आज मैं आपको दो अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं, तो उन अनाउंसमेंट्स को प्लीज ध्यान से सुनिए, आने वाले लेक्चर्स में आपको उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। हाँ भाई, तो आज का पहला क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विथ अवर वर्क। नोटबुक और पेन रेडी है सबके? चलिए, ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे? किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल लगाने की घोषणा की है? ये रहे 4 ऑप्शन, आरबीआई, सिडबी, एनएचबी या नाबार्ड। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर? भैया यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। नाबार्ड को अब 39 साल हो चुके हैं और नाबार्ड ने इस बार 12 जुलाई को अपने स्थापना दिवस के दिन ये डिक्लेयर किया कि वो डिजिटल ई चौपाल, डिजिटल चौपाल चलाने वाला है। एक बार आंसर चेक कर ले हम। यस, ये है नाबार्ड, राइट, क्लियर हो गया। अब जितने नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए नाबार्ड से जुड़ी हुई एक बेसिक जानकारी, एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत भला होगा आपका। दोस्तों देखो, हमारे देश में 3 प्रकार की बैंक है, आप इस बात को एक बार में आज से ही याद रखना और कभी भूलना मत। हमारे देश में 3 प्रकार की बैंक है, एक है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, दूसरी होती है शेड्यूल्ड बैंक और तीसरी होती है डेवलपमेंट बैंक। अब जितनी ये जो आप सुनते हो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब इस शेड्यूल बैंक में आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी ऐसी कुछ बैंक है जहां पर एक आम इंसान खाता नहीं खोल सकता, उसका कोई एटीएम नहीं मिलता, उन बैंकों को बोला जाता है डेवलपमेंट बैंक, जो कि देश के विकास के लिए जरूरी है, राइट। तो इन बैंकों में एक बड़ा नाम है नाबार्ड, ये है एक्चुअली में नाबार्ड का मतलब। अब ये क्यों बनाया गया? नाबार्ड इसलिए बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके, एग्रीकल्चर क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल सके। ऐसे जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एसओ की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने, यही डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बताना है। कभी किसी ने आपको पूछा कि नाबार्ड का मतलब क्या है, तो बोलना नाबार्ड एक ऐसा अपेक्स बैंक है जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, राइट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और नाबार्ड के इस वक्त चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भान वाला, हर्ष कुमार भान वाला। ये इतनी बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये आपको आने वाली है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, लिख लिया सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने।
Which of the following organization has announced its partnership with FICCI for reimagine #reimagine campaign? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी फिक्की के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया #reimagine कैंपेन से संबंधित चीज के लिए? अब चार ऑप्शन है आपके सामने। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देख ले एक बार। यस, द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब इसका एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, राइट। अब हुआ क्या है, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, इसको प्लीज आज के बाद भूलना मत। असल में COVID-19 के वजह से दुनिया के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत गरीबी में जीते हैं, और अब क्योंकि COVID-19 आ चुका है तो इनकी जिंदगी और बद से बदतर हो सकती है। सही मायने में देखा जाए तो ये बच्चे आज की डेट में वल्नरेबल परिस्थिति में है। अंग्रेजी का एक शानदार वोकैबुलरी का वर्ड है वल्नरेबल, इसका मतलब होता है खतरों से घिरा हुआ। एक ऐसा इंसान या एक ऐसी बाधा सिचुएशन जिसमें आप खतरों से घिर जाते हो उसको बोलते हैं वल्नरेबल परिस्थिति, राइट। तो ऐसे वल्नरेबल बच्चों के लिए री इमेजिन कैंपेन शुरू किया गया है, ताकि COVID-19 में कहीं जान से ये हाथ न धो बैठे, या फिर इनके वजह से और हजारों हजारों लोगों को कोरोना ना हो जाए, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा फिक्की का फुल फॉर्म बताओगे क्या? फिक्की का फुल फॉर्म मैं रिपीट कर देता हूँ, लिखूंगा नहीं, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप कंफर्म करना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लिख लिया। हाँ, फिक्की के प्रेसिडेंट साहब का भी नाम बता दीजिए, कौन है फिक्की के प्रेसिडेंट? फिलहाल फिक्की के प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की इज संगीता रेड्डी, नाम याद रखनी रखिएगा, महिला है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय केरला फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इट्स पीपल रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड? विदेश से लौटने वाले जितने भी लोग हैं जो कि COVID-19 के वजह से अपने अपने प्रदेश में वापस लौट आए हैं, उन लोगों के लिए केरला सरकार ने कौन सी नई स्कीम, नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, वेलकम बैक, ड्रीम केरला, गॉड जोन कंट्री, या विनिंग कोविड। सही जवाब है ड्रीम केरला, द राइट आंसर इज ड्रीम केरला। अब इसमें क्या करने वाले हैं? असल में COVID-19 के वजह से जितने लोग कंट्री में वापस लौट आए हैं जो केरला के हैं और केरला वापस लौट आए हैं, केरला की सरकार ने उनकी प्रतिभा, उनके हुनर का इस्तेमाल करके उनके लिए जॉब्स तलाशने शुरू कर दिए हैं, जॉब्स का इंतजाम शुरू किया है, और उसी प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम केरला, राइट। केरला के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम बता दीजिए, पी विजयन, पिनरई विजयन पूरा नाम है। केरला के गवर्नर साहब कौन है? गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, राइट। बेसिक जानकारी सारी याद रखिएगा। बाय द वे दोस्तों, आज हम एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज जितने भी बार स्टेट्स का जिक्र होगा, जब जब स्टेट्स का जिक्र होगा, मैं आपको स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन है बताता चलूंगा। सीएम मैं बता चुका हूँ, गवर्नर मैं बताता रहता हूँ, अब बारी है चीफ सेक्रेटरी की। तो ये चीफ सेक्रेटरी मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ पहले। चीफ सेक्रेटरी सरकारी पद होता है, 1.25 लाख रुपए इसकी सैलरी होती है। ये उस राज्य का सबसे बड़ा आधिकारिक पद होता है, ये उस राज्य का सबसे बड़ा आधिकारिक पद होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है। हर राज्य को एक चीफ सेक्रेटरी दिया जाता है जो कि IAS ऑफिसर होता है। आज हम उनके नाम जरा देखेंगे कौन कौन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू कंप्यूटराइज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स अंडर द रीफाइनेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड? नाबार्ड द्वारा लॉन्च की गई पैक्स स्कीम में कितने रुपए का अमाउंट अलोकेट किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, पर सही जवाब है ऑप्शन डी, 5,000 करोड़। यस, इट इज 5,000 करोड़। उस दिन याद है क्या मैंने आपको बताया था
1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। वो इसलिए क्योंकि 1 डॉलर का मतलब 75 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, तो 5,000 करोड़ का मतलब हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 0.75 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ऑल राइट, ये एक सिंपल हिसाब है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट आप सबको करनी थी। मैंने आपको बोला था कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सोमवार से शुक्रवार तक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलने वाली है, तो आज है शुक्रवार, अब हम इसके बाद सीधा मिलेंगे मंडे को। लेकिन इस बार शनिवार और रविवार के लिए भी आपके लिए मैंने काम बना के रखा है। मैं लेकर आ रहा हूं एक फास्ट ट्रैक जीके लेक्चर। इस फास्ट ट्रैक जीके लेक्चर में जून महीने की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो संडे को दोपहर को 2 बजे मैं एक लेक्चर रिलीज करने वाला हूँ। ध्यान रहे, ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है, संडे को 2 बजे ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, फास्ट ट्रैक जीके लेक्चर, जिसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। कौन से मंथ के? जून मंथ के। हर एक क्वेश्चन के लिए 20 या 25 सेकंड का एक टाइमर होगा, और आपको करना ये है कि आपको भी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके देखने हैं और कमेंट थ्रेड में मुझे अपने मार्क्स बताने हैं। तो याद रहेगा, ये तय रहा, सोमवार से शुक्रवार डेली करंट अफेयर की सीरीज, अगला लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का मंडे को, लेकिन संडे को 2 बजे 60 मिनट 100 क्वेश्चन की फास्ट ट्रैक जीके लेक्चर की एक एक और सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर इस संडे को होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज इसको जरूर अटेंड करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अशोक लवासा जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अभी अभी कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है? 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF या AIIB। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी इनको रिटायर होने के लिए 2 साल से भी ज्यादा है, 2+ ईयर्स इनको बाकी है रिटायर होने के लिए, तो जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते ये ADB ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया है, अशोक लवासा। राइट, याद रहेगा आपको। हाँ भाई, आपको इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, वैसे ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है, आज एक बार फिर से ढंग से देख लीजिए, याद कर लीजिए, और कभी भूलना मत, ये आपको 1 मार्क के लिए किसी भी दिन पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर है मांडालू योंग में। ये मांडालू योंग एक जगह है जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस में अक्सर लोग बोलते हैं कि फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि फिलीपींस में कहाँ, तो इट इज इन मांडालू योंग। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? प्रेसिडेंट है मसात सुगु आसाकावा। मसात सुगु आसाकावा, क्या सर क्या बात कर रहे हो, बड़ा अजीब सा नाम है। अरे भैया, उसकी मम्मी को यही नाम पसंद आया, मैं क्या करूं, जापान के हैं ये, अब अपने जैसा पाटिल और रमेश और निखिल और ऐसे नाम तो नहीं रख लेंगे ये लोग, तो स्वाभाविक सी बात है। मसात सुगु आसाकावा, छत पे जाके जोर जोर से चिल्लाना, 10 दिन में जरूर याद हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़े, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। भारत में जिस क्रिकेट के हर कोई दीवाने फिर रहे हैं, उस क्रिकेट के बोर्ड के एंटरिम सीईओ कौन चुने गए हैं? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हेमंग अमीन, अशोक कुमार, अंजुम चोपड़ा या फिर डी के जैन। सही जवाब है हेमंग अमीन। हेमंग अमीन साहब को अभी अभी एंटरिम सीईओ चुन लिया गया है बीसीसीआई का। मामला क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूं। असल में बीसीसीआई के सीईओ थे राहुल जोहरी, राइट, लेकिन 4 महीने पहले राहुल जोहरी साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा पहले स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया बीसीसीआई ने। एक्सेप्ट कर लेने के बाद हेमंग अमीन साहब को एंट्रीम सीईओ बना दिया गया है। या तो हेमंग अमीन साहब ही परमानेंट हो जाएंगे या इनकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। अब जितने नए विद्यार्थी हैं या इनफैक्ट पुराने विद्यार्थी भी हैं, उन सबको आज मैं एक बार ढंग से ये एंट्रीम वर्ड का मतलब समझा देता हूँ।
एंटरीम वर्ड को मराठी में और हिंदी में अंतरीम कहते हैं, और अंतरीम का मतलब होता है तात्पुरता, उस वक्त के लिए, थोड़े देर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एक थोड़े दिनों के लिए किया गया एक टेम्पररी अरेंजमेंट, ओके, उसको बोला जाता है एंटरीम। जैसे हर 5 साल में एक बार एंटरीम बजट आता है, किसी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए तो उसके जगह पर एंटरीम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक वैसे ही ये एंटरीम, इसका मतलब होता है टेम्पररी अरेंजमेंट। आंसर जरा चेक कर लें, यस हमारा राइट आंसर है हेमंग अमीन। यहाँ तक सब ठीक है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अभी कौन है भैया, बाय द वे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एलआईसी में, इट इज सौरव गांगुली, हाँ अपने दादा साहब, ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुकेश अंबानी हैज बिकेम द न्यू बिकेम नाउ द वर्ल्ड्स डैश रिचेस्ट पर्सन आफ्टर सरपासिंग सरजी ब्रिन एंड लारी पेज। गूगल के दो दोस्त जिन्होंने गूगल की शुरुआत की थी, सरजी ब्रिन और लारी पेज, जो कि दुनिया के सबसे रईस लोगों की गिनती में आते हैं, उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे पहुंच चुके हैं अमीरियत की हैसियत से? 4 ऑप्शन है, 9th, 8th, 7th या 6th। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6th। इस वक्त मुकेश अंबानी 6th richest पर्सन है दुनिया में। दुनिया के सबसे अमीर अमीर लोगों के मैं जरा आपको नाम बता देता हूं, आप याद रखना। एक है जेफ बिजोस, दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, उसके बाद एक और अमीर इंसान है बिल गेट्स, इनको कौन नहीं जानता, उसके बाद एक और इंसान है मार्क जकरबर्ग, इनको भी सब जानते हैं, उसके बाद एक है लैरी एलिसन, फिर उसके बाद अपने मुकेश अंबानी साहब भी इस लिस्ट में आते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन जितना हो सके मुकेश को भारत के बारे में सोचना चाहिए और इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज कमेंट थ्रेड में मेरी बात को जरूर समर्थन दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेम द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बागान फुटबॉल क्लब। मोहन बागान फुटबॉल क्लब में हॉकी प्लेयर, ओके, एक हॉकी प्लेयर है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, क्या है उसका नाम? ध्यानचंद, रूप सिंह, अशोक कुमार या उद्धम सिंह? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार। अब ये वो एक्टर अशोक कुमार नहीं है, ये एक अच्छे शानदार हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, उनका नाम है। ऑल राइट, यस, मोहन बागान स्टेडियम भी है कोलकाता में, 17 से 18 हजार लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला। राइट, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बैस्टील डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन फ्रांस ऑन। बैस्टील, इसको बैस्टिली मत बोल देना या बैस्टिले मत बोल देना, बैस्टील डे हर वर्ष कौन सी तारीख को फ्रांस में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 17 जुलाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई। राइट, अब आपको एक कहानी सुनाऊं मैं प्यारी सी, सो तो नहीं जाओगे, 30 सेकंड की कहानी है, सुन लो जरा, ओके, कान बंद करके सुन ही लो आप। बैस्टील असल में एक बहुत बड़ा कारागृह था। यहां पर फ्रांस का राजा 18वीं शताब्दी में बहुत से लोगों को कैद करके रख लेता था, और लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी सजा दे दी जाती थी। इस किले के चारों तरफ राजा की बहुत बड़ी फौज होती थी। अब राजा ने टैक्स वसूलना शुरू किया, मौसम खराब थे, फिर भी राजा बाज नहीं आया और हर किसी से टैक्स वसूलता चला गया। लोगों का दिमाग खराब हुआ, जितना सहन करना था कर लिया। एक दिन लोग अपने घर के कुल्हाड़ी फावड़ा सब लेकर चले गए, सेना को पीछे ढकेला और इस बैस्टील को पूरा तोड़ के तहस नहस कर दिया, पूरा बैस्टील लूट लिया और अपने सारे साथियों को यहां से छुड़वा लिया। राइट, और उस दिन से फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये दुनिया की सबसे पहली क्रांतियों में से एक है। इसके बाद फिर दुनिया में बहुत सी क्रांतियां हुई
और दुनिया में डेमोक्रेसी और इंसान की आजादी के लिए नई नई बातें होने लगी। तब तक तो राजा का ही शासन था, किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद दुनिया में डेमोक्रेसी लाई गई या डेमोक्रेसी की समझ लोगों को होने लगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिवस है, ओके, इंसान की आजादी का दिवस है, राइट? सो द राइट आंसर इज 14th of July। आगे बढ़ने से पहले अपने सारे दोस्तों को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का महत्व क्या है? व्हाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट, इसका महत्व क्या है, जरा मुझे बताना। और ये भी बताना कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का स्टैच्यू कौन सी कंट्री ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था? वो जो लिबर्टी स्टैच्यू आप मशाल जलता हुआ देखते हैं, वो असल में किसी कंट्री ने दिया था अमेरिका को, तो कौन सी कंट्री ने वो तोहफे में दिया था? मुझे कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एज पर द यूनाइटेड नेशन स्टडी रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2019, अप्रोक्स हाउ मेनी पीपल वर फाउंड टू बी हंग्री इन 2019? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के आंकड़ों के साथ अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, या फिर ग्लोबल जो कि मतलब भूखे पाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फूड न्यूट्रिशन। चार ऑप्शन है हमारे सामने, 690 मिलियन, 720, 460 या 550। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 690 मिलियन। दोस्तों, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप ही जरा सोचो कितने करोड़ लोग होंगे, कहीं 6.9 करोड़ लोग तो नहीं है? कमेंट थ्रेड में मुझे बताना, इतने भयानक लोग। ये एक्चुअली में फूड न्यूट्रिशन नहीं मिला है, जिनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, खाने के लिए 2 वक्की रोटी भी नहीं है, कितने बुरे दिन है बताओ। आपको एक आंकड़ा बता दूं मैं, एक इंडेक्स निकाला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जब जब ये इंडेक्स निकलता है, मैं क्लास में अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 117 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। आप जानते हैं अपने भारत का नंबर क्या है? 102। इतना पीछे है भारत, और भारत को स्कोर मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 30 मार्क्स केवल। और 30 मार्क्स के हिसाब से हमारे देश में परिस्थितियां सीरियस है, एकदम सीरियस, राइट? सीरियस के बाद आती है अलार्मिंग, उससे भी भयानक, और फिर एक होता है एक्सट्रीम डेंजरस सिचुएशन। तो भगवान ना करे वैसे कभी कोई दिन देखने पड़े, लेकिन फिलहाल भारत में परिस्थिति सीरियस वाली तो है ही। तो भारत को खाद्य सुरक्षा में अभी बहुत कुछ अचीव करना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2020? विश्व युवा कौशल्य दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इसका थीम क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, आप बताइए क्या है थीम, जरा गौर से देखिए, सोचिए क्या होगा राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सबको रेजिलियंट शब्द का मतलब समझा देता हूं। आज मेरे साथ एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, मैं दावा करता हूं जिंदगी भर भूलोगे नहीं आप। इसका मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस, यानी मुश्किल परिस्थितियों से रिकवर करके आगे बढ़ने वाला, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। तो हमारे देश का जो युवा है या दुनिया के जो युवा है, उनमें एक अच्छी प्रतिभा होती है, एक अच्छा गुण होता है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकल जाते हैं, तभी तो दुनिया आगे बढ़ती है, और क्या? ये बात तो बिल्कुल सच है। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये कब मनाया जाता है, इसकी भी तारीख बता दो। इसकी तारीख है 15 जुलाई, 2 दिन पहले ये था, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं IMP लिख ही देता हूँ, राइट? तो चलिए एक बार आंसर चेक कर लें, यस, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड? ओके, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये एक्चुअली में यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो इसमें एक्चुअली में हेड कौन है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, और सही जवाब है हेनरीटा एच फोरे, राइट? ये महिला है अमेरिका की, और ये फिलहाल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की प्रेसिडेंट है, वहां की हेड है। ऑल राइट,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ गया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आंसर चेक कर ले पहले। यस, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। What is the tenure of the taxable floating rate saving bonds 2020 introduced by the government? Taxable floating rate 2020 savings bond जो सरकार ने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया, उसका टेन्योर यानी उस बॉन्ड पेपर की वैलिडिटी कितनी है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। क्या लगता है आपको? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 साल। एक बार चेक कर ले। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब प्लीज बिल्कुल बोर मत होना, चाहो तो कान बंद कर लेना, लेकिन सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, बैंकिंग की परीक्षा में इस तरह के टर्म्स आपको सताते ही हैं, इसीलिए आज ही इन सब चीजों के साथ दोस्ती करने की आदत डाल लो। अब मैं एक लाइन में समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। असल में भारत सरकार अपने पास बॉन्ड पेपर छापती है। अब ये बॉन्ड पेपर मतलब एक सरकारी दस्तावेज होता है, कागज होता है, जिसके ऊपर सरकार ब्याज देती है और दुनिया भर के देशों को, इन्वेस्टर्स को ये बॉन्ड पेपर बेचे जाते हैं। ये बॉन्ड पेपर में दो प्रकार का ब्याज मिलता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब कैसा भी हो, कुछ भी हो, विश्व युद्ध हो जाए, चाहे इकोनॉमी 10% के ऊपर चली जाए, तब भी आपको फिक्स्ड प्राइस पे सरकार ब्याज के साथ पैसा वापस करेगी, फिक्स रेट पे। लेकिन फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसी बाजार की परिस्थिति होगी वैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर बाजार की परिस्थिति बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, तो ये शेयर मार्केट की तरह होता है। तो अभी अभी सरकार ने ऐसा ही एक फ्लोटिंग बॉन्ड पेपर जारी किया है, तो वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, ये था सवाल। सही जवाब है 7 साल। अब क्वेश्चन नंबर 2, आज होमवर्क के लिए आप सबको मुझे पूछना है कि जितने भी सोवरेन बॉन्ड होते हैं, यानी सरकारी बॉन्ड पेपर्स जितने भी होते हैं, ये सोवरेन बॉन्ड पेपर्स असल में भारत सरकार के लिए कौन बेचता है? मुझे एक आंसर दीजिएगा कि सरकारी बॉन्ड पेपर कौन बेचता है। सरकार तो लाके बेचती नहीं है, तो अगर किसी को खरीदना होगा तो ये कहां से खरीद सकते हैं? आपका जवाब कमेंट थ्रेड में मुझे देखना है, प्लीज हो सके तो आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर इंडिया कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, दैट इज स्टार्स। चार ऑप्शन है हमारे सामने, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, ये शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब जरा फटाफट मुझे बता दोगे क्या किसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, करवा चुका हूं मैं क्लास में, भूल मत जाना। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉलोनी में, अपने घर की कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का मतलब एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वंस अगेन वॉशिंगटन में। और ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मांडालू योंग, अभी अभी बताया मैंने, जो कि फिलीपींस में है। ऑल राइट, यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई, आगे बढ़े। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $250 मिलियन लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। आपके बजट के अनुसार आपके लिए घर की व्यवस्था करने के लिए $250 मिलियन का एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। तो ये लोन कौन से राज्य को दिया गया है? चार ऑप्शन है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या केरला। सही जवाब है यहाँ पर ईडा पलनी स्वामी जी की सरकार वाला राज्य, यानी तमिलनाडु। यस, द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ओके, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं चीफ सेक्रेटरी कौन है बताऊंगा, तो चलिए फटाफट आपको चीफ सेक्रेटरी कौन है बता देते हैं। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी कौन है? असित त्रिपाठी। ओडिशा के असित त्रिपाठी, क्या बता रहा हूं मैं, चीफ सेक्रेटरी। कौन होता है चीफ सेक्रेटरी? उस राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी। तो सर ये क्यों याद करना है? इसलिए याद करना है बेटा क्योंकि एग्जाम में आता है, निखिल सर बोल रहे हैं करके याद नहीं करना है, पेपर में आता है करके याद करना है। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी कौन है? के शान मुगम, के शान मुगम। ओके, अब ये पीछे हरी वाली रोशनी जरा चमक रही है लेकिन फिर भी दिख रहा होगा आपको।
केरला, केरला के कौन है? विश्वास मेहता, विश्वास मेहता, राइट, ये है। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने। विच ऑफ दी विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च अ डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। ओके, कोविड-19 के पेशेंट्स की रिकवरी के लिए कौन से राज्य ने अपना एक अलग से डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक बनाया है? प्लाज्मा बैंक को आज एक बार आप समझ लीजिए, ये कोरोना काल में आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा कि प्लाज्मा टेस्ट कराना है, प्लाज्मा टेस्ट। इसका आम भाषा में मतलब ये है कि आपके खून की जांच करनी है, बस। कभी अगर आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये प्लाज्मा क्या होता है, पता नहीं कहाँ से निकालेंगे, बॉडी से, हाथ से निकालेंगे, सर से निकालेंगे, या पेट फाड़ के निकाल लेंगे, प्लाज्मा का मतलब होता है आपका ब्लड। तो वो ब्लड ब्लड चेक किया जाता है, तो उसके लिए ये बैंक बनाई गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट? हाँ, तो राइट आंसर क्या है, कहाँ पर हुआ है ये? द राइट आंसर हियर इज अरविंद केजरीवाल के राज्य में, यानी नई दिल्ली में। यस, द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। अब जरा मैं फिर से एक बार आपको चीफ सेक्रेटरी बता देता हूँ। केरला के चीफ सेक्रेटरी पहले ही बता दिया अभी पिछले क्वेश्चन में। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी का नाम है अजॉय मेहता, अजॉय, अजय नहीं, अजॉय, राइट, बंगाली है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए वहां पर चीफ सेक्रेटरी का काम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है राजेंद्र कुमार तिवारी, राजेंद्र कुमार तिवारी, ये वहां के चीफ सेक्रेटरी है। ऑल राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द किल कोरोना कैंपेन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस? इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी किल कोरोना कैंपेन शुरू किया है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए? चार ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। क्या लगता है आपको, क्या है सही आंसर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चेक करें, यस, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अब आपको एक और बता देता हूं, रोको टोको कैंपेन कहाँ शुरू किया गया था? 2 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन लिया था, आप मुझे इसका जवाब बताइएगा। रोको टोको कैंपेन यानी रोको टोको, और फिर भी ना सुने तो ठोको पकड़ के सीधा, कि मास्क लगा भैया, ग्लव्स पहन, सैनिटाइजर यूज कर, ये वाला कैंपेन ये शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। ऑल राइट, तो मध्य प्रदेश में ही किल कोरोना भी आया है, मध्य प्रदेश में ही रोको टोको भी आया है। ऑल राइट, चलिए चीफ सेक्रेटरी के नाम देख ले जरा। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? दीपक कुमार। ओके, दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के अभी अभी बताया मैंने, राजेंद्र कुमार तिवारी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कौन है? सुधीर रंजन मोहंती, सुधीर रंजन मोहंती, सुधीर रंजन मोहंती। और गुजरात, गुजरात के कौन है? अनिल मुकिम, अनिल मुकिम, राइट, ये है चीफ सेक्रेटरी। सारे चीफ सेक्रेटरीज के नाम याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको इंटरव्यू में, तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनेगा इससे। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटर्नी जनरल एजी ऑफ इंडिया? भारत के अभी अभी नियुक्त किए गए या रीनियुक्त किए गए, दोबारा नियुक्त किए गए अटर्नी जनरल का नाम बताइए। चार ऑप्शन, रंजीत कुमार, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता या मनिंदर सिंह। अब कॉमन सेंस है, जिसको पुराने वाले का नाम याद है, बस वही है हमारा राइट आंसर। तो सही जवाब है के वेणुगोपाल। यस, अब जरा आप सबको मुझे ये सवाल पूछना है। वैसे मैं ये कई बार जीके सीरीज में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन जब भी सवाल सामने आता है उसको डिस्कस करना उतना ही जरूरी हो जाता है। अटर्नी जनरल का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अटर्नी जनरल? आपको मैं आज बता देता हूं और अब भूलना मत कभी। कोर्ट कचहरी में सरकार के तरफ से सरकार का पक्ष रख कर लड़ने वाले वकील को कहा जाता है? अटर्नी जनरल। तो ये है अटर्नी जनरल, जो कि भारत के मतलब एक जाने माने अटर्नी जनरल कहलाएंगे, और इनका नाम है के वेणुगोपाल। तो इनका काम क्या है? ये भारत सरकार के तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं। सरकार भी तो अपना वकील खड़ा करेगी ना किसी चीज के लिए, तो वह है के वेणुगोपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम टिल विच मंथ? कौन से महीने तक के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
नवंबर। ऑल राइट, ये क्लियर हो गया आपके आपको। हाँ, और क्या देने वाले हैं सरकार इसमें, गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार क्या दे रही है? सरकार इसमें दे रही है 5 किलो गेहूं, 5 kg राइस या व्हीट, जो भी प्रिफरेबल होगा जो उस राज्य में चलता है वो, प्लस 1 किलो दाल यानी 1 किलो पल्सेस, ये आपको मिलने वाला है। राइट, और ये किसको, हर व्यक्ति को? नो नो नो, हर व्यक्ति को नहीं, ये हर परिवार को मिलने वाला है। ऑल राइट, यस, इस सवाल पे भी आप सबके लिए होमवर्क है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिनिस्टर कौन है भारत के, जरा मुझे बताइएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी खाद्य वितरण प्रणाली मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम मत बता देना, वो अलग है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो प्लीज लेट मी नो कि ये कौन है। ओके, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ये रहा आपके सामने। एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूस गैल्वनाइज्ड रेबर CGR मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? एशिया की सबसे बड़ी गैल्वनाइज्ड रेबर फैसिलिटी अभी अभी कौन से राज्य में लगाई गई है? चार ऑप्शन है, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ओके, पंजाब में सबसे बड़ी रेबर फैसिलिटी लगाई गई है। मैंने इसका एक इमेज भी आपको दिखाया था, रेबर कैसा होता है। रेबर है ये, रबर वबर नहीं है, नहीं तो आप उल्टा ही समझ लेंगे। ओके, राजस्थान। अब बात करनी है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है? DB गुप्ता। पंजाब के कौन है? पंजाब के हैं विनी महाजन। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, राजीवा सिन्हा। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं RP मंडल, RP मंडल। राइट, क्लियर हो गया, चारों ऑप्शन ओके है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वन टू अवार्ड्स एट द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट COG X 2020? भारत सरकार के कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये अवार्ड जीता है प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट COG X 2020 में? चार ऑप्शन, माई गवर्नमेंट, कोरोना, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया या स्वच्छ भारत मिशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माय गवर्नमेंट कोरोना। ऑल राइट, इसने वो अवार्ड जीता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रिनाउंड फुटबॉल फुटबॉलर विम सर्बियर हैज पास्ड अवे, ही प्लेड फ्रॉम विच कंट्री? विम सर्बियर जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई वो कौन सी कंट्री के हैं? फुटबॉलर थे, चार ऑप्शन है हमारे सामने, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स या फिर न्यूजीलैंड। क्या लगता है आपको सही जवाब क्या है? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, नेदरलैंड्स। ओके, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के थे वो। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चारों कंट्रीज के आपको करेंसी बता देता हूँ। करेंसी, कैपिटल वैपिटल तो अब ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को ठीक ठीक पता ही है, करेंसी बता देता हूँ। पोलैंड की करेंसी क्या है? ज्लॉटी, ज्लॉटी, ये वहां की करेंसी है। स्पेन, स्पेन तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है इसलिए उसकी करेंसी है यूरो। नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स भी उसका मेंबर है तो उसकी करेंसी भी है यूरो। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में चलता है डॉलर, कौन सा डॉलर? न्यूजीलैंड वाला डॉलर। ओके, तो ये है करेंसीज, करेंसीज, कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कुछ आपको याद करना ही है। आज एक बार आप बिल्कुल गांठ बांध के याद रखिए कि ये सब आपको पढ़ना ही है। ऑल राइट, सो नेदरलैंड्स हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यूनिसेफ इंडिया हैज लॉन्च द री इमेजिन कैंपेन इन पार्टनरशिप विद विच एंटिटी टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग 2019 कोविड क्राइसिस? यार ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, इसको दूसरे ढंग से पूछा है उन्होंने और वो जानना चाहते हैं कि किसके साथ पार्टनरशिप हुई है। तो आपको याद है ना पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? फिकी के साथ। मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया था आपको, तो हमारा जवाब फिकी होना चाहिए। है क्या फिकी? यस, नीति आयोग, फिकी, CII और टेरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिकी। ऑल राइट, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने बताया भी था कि प्रेसिडेंट कौन है, संगीता रेड्डी, और फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट, चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24।
Mikhail Zadina has recently announced his retirement from the sports of soccer. Soccer का मतलब होता है फुटबॉल. He was the former captain of the national soccer team of which country? माइल जेडिनेक ने अभी अभी जो रिटायरमेंट घोषित किया है, वो कौन से कंट्री से सॉकर टीम से अपना खेल खेलते थे? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रशिया? चार ऑप्शन है हमारे सामने और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया. द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब इन चारों ऑप्शन में आप मुझे कैपिटल बता सकते हो क्या? लंदन किसकी कैपिटल? इंग्लैंड की, थेम्स नदी के किनारे है. न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा. और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को. राइट, ये रहे हमारे सामने चार ऑप्शन इस तरीके से. चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 एट द फर्स्ट रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल्स अवार्ड RIMBDA. ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? चार ऑप्शन है और सही जवाब है वेद प्रकाश डुडेजा. वेद प्रकाश डुडेजा, आप जानते हैं ये कौन है? वेद प्रकाश डुडेजा साहब असल में RLDA के चेयरमैन है. और RLDA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेल लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. रेल लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके चेयरमैन है और उनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है. तो दोस्तों ये रहे 25 सवाल आज के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन. अलग अलग तरीके से हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सवाल लेकर आते हैं और उसके साथ सपोर्टिंग जानकारियां भी लेकर आते हैं. ज्ञानबाजी में आप और हमसे अलग क्या चाहते हैं? अलग अलग तरह के आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आने वाले दिन में हमसे और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में खुल के बात कीजिए. और कमेंट्स थ्रेड में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिए. आपके कमेंट्स के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आपकी जरूरतों को पूरा किया जाए. बहरहाल आने वाले दिन में ज्ञानबाजी आपके लिए दो चीजें लेकर आ रहा है और वो है द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस की एक खास सीरीज. बहुत जल्दी डेट्स के साथ मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा और तब तक आप ज्ञानबाजी पे बने रहिएगा. तब तक आप ये वीडियो देखिए. ऑल राइट दोस्तों, सो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से आज के लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा और इसके पहले की भी सारी पीडीएफ एक फोल्डर में अवेलेबल है, उसको भी वहां से लेना मत भूलिएगा. अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो. कल फिर, कल यानी अब हम सीधा मिलेंगे मंडे को, लेकिन संडे को मेरा एक लेक्चर 2 बजे ऑलरेडी जो मैंने डिक्लेयर किया है वो रिलीज होने वाला है. लाइव लेक्चर नहीं है, 2 बजे रिलीज होने वाला है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन वाला. ऑल राइट, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा ज्ञानबाजी.